दोस्तों, सामान्य रूप से देखा जाए तो रत्न पत्थर का टुकड़ा मात्र होता है, लेकिन अपनी विशेषताओं के चलते उसे रत्न का दर्जा मिल जाता है। ठीक इसी तरह जो मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं वो रत्न कहलाते हैं। बचपन में जब भी आपने अकबर के बारे में पढ़ा होगा, उनके समय के नवरत्नों के बारे में अवश्य सुना होगा और उनसे जुड़े किस्सों ने आपको जरूर गुदगुदाया होगा। तो आइए आज फिर लौट चलें बचपन की यादों में और जानें अकबर के नवरत्नों के उन खास गुणों के बारे में जिससे वो अकबर के नवरत्न कहलाए। बीरबल। बीरबल अपनी चतुराई, वाक्पटुता और स्वामी भक्ति के कारण अकबर के सबसे पसंदीदा रत्न थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें हास्य और हाजिर जवाबी का अद्भुत गुण था, जिसके चलते वे अपने चुटकुलों के लिए हमेशा प्रासंगिक रहे। बीरबल से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें न्याय विभाग का उच्चाधिकारी नियुक्त कर रखा था। बीरबल अपनी प्रतिभा के लिए राजा की पदवी से भी विभूषित किए गए। जानकारों की माने तो यूसुफ जाइयों के खिलाफ लड़ते हुए बीरबल मारे गए थे, जिसकी खबर सुनकर अकबर को काफी दुख हुआ था, यहां तक कि वो कई दिनों तक शोक में डूबे रहे। अबुल फजल। अबुल फजल को उनकी कुशाग्र बुद्धि और चतुराई के लिए अकबर का खास नवरत्न कहा जाता है। वे साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। वाद विवाद में अबुल का कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। वे विद्वान, इतिहासकार और लेखक होने के साथ साथ योग्य राजदूत और सेना नायक भी थे। इसी वजह से अकबर अबुल फजल से बहुत प्रभावित थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी जैसे कई सारे तोहफे अकबर के समय काल को दिए, लेकिन इसके बावजूद शहजादे सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने उनकी हत्या कर दी थी। इस बारे में जब अकबर को पता चला तो उन्होंने सलीम को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि आखिर फजल की हत्या क्यों कराई, यदि वो कहता तो मैं उसको राज सिंहासन स्वयं दे देता। राजा टोडरमल। राजा टोडरमल को वित्तीय मामलों के बारे में काफी अनुभव था, जिसके चलते अकबर उनसे खास प्रभावित थे। बाद में अकबर ने उन्हें अपना वित्त मंत्री बना दिया। अकबर के सेवा में आने से पहले वे शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करते थे। अकबर के शासनकाल में भूमि बंदोबस्त और माल गुजारी में जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, उसके सूत्रधार राजा टोडरमल ही थे। बता दें कि राजा टोडरमल ही थे जिनके द्वारा विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा मापन प्रणाली तैयार की गई थी। मान सिंह। अपनी बुद्धिमानी, साहस और उच्च वंश के होने के नाते मान सिंह की गिनती अकबर के खास दरबारियों में होती थी। राजा मान सिंह अकबर का प्रधान सेनापति भी था। कहा जाता है कि अकबर मान सिंह के कार्य और व्यवहार से बड़ा खुश रहता था और मान सिंह को कभी फर्जद यानी कि बेटा तो कभी मिर्जा राजा के नाम से बुलाता था। जानकारों की माने तो हिंदुओं के प्रति अकबर के दृष्टिकोण को अधिक उदार बनाने में मान सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तानसेन। जब बात संगीत की हो तो तानसेन का जिक्र होना लाजमी है। संगीत सम्राट तानसेन का अकबर के नवरत्नों में महत्वपूर्ण स्थान था। वे अपनी संगीत कला के लिए ही अकबर के खास माने जाते थे। अकबर उनका बड़ा ही सम्मान करते थे। अकबर के ही नवरत्नों में से एक अबुल फजल इनके संगीत से बहुत प्रभावित थे। बाद में उन्होंने अकबर को सुझाव दिया कि तानसेन को दरबार का नवरत्न होना चाहिए। अकबर संगीत और कला प्रेमी तो थे ही, पर जब उन्होंने तानसेन का संगीत सुना तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। अब्दुल रहीम खाने खाना। अपने व्यक्तित्व के कारण बादशाह अकबर के सबसे खास माने जाने वाले अब्दुल रहीम खाने खाना की गिनती अकबर के दरबार में उच्च कोटि के विद्वान और कवि के रूप में होती थी। वे अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। वो फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े जानकार माने जाते थे। अकबर ने गुजरात को जीतने के बाद अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि से नवाजा था। अब्दुल रहीम के दोहे आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में जन जन की वाणी से सुने जा सकते हैं। अबुल फैजी। अबुल फैजी अपने बड़े भाई अबुल फजल की तरह ही अकबर के बड़े खास थे। उनकी फारसी भाषा में अच्छी पकड़ थी। वे फारसी में कविता भी लिखा करते थे। दरअसल अकबर ने अबुल फैजी को अपने बेटे के लिए गणित शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था और साथ ही वे अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर भी आसीन रहे।
जानकारों के मुताबिक फैजी को अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही का बहुत बड़ा समर्थक माना जाता था। मुल्ला दो प्याजा अपनी मेहनत और लगन की वजह से बादशाह अकबर को प्रभावित करने वाले मुल्ला दो प्याजा अरब के रहने वाले थे। वे हुमायूं के शासनकाल में ही भारत आ गए थे। उनका असली नाम अब्दुल हसन था। वो चाहते थे कि वो भी अकबर के दरबारियों में शामिल हों। अंततः उन्हें शाही परिवार के मुर्गी खाने का प्रभार मिल गया, जहां उन्होंने शाही परिवार के बचे हुए खाने को मुर्गियों को खिलाने में इस्तेमाल किया, जिससे अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको शाही परिवार के पुस्तकालय का प्रभारी बना दिया। लेकिन मुल्ला तो कुछ और ही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और पुस्तकालय में ढेर सारे बदलाव कर दोबारा अकबर को प्रसन्न करने में कामयाब रहे, जिसके फलस्वरूप वो शाही परिवार में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गए। कहा जाता है कि उन्हें भोजन में दो प्याज पसंद थी, इसीलिए अकबर ने उन्हें दो प्याजा की उपाधि दे दी थी। हकीम हमाम। हकीम हमाम की गिनती अकबर के मुख्य सलाहकारों में होती थी। जानकारों की माने तो इसका नाम हुमायूं बुली खान था, जो बाद में हकीम हमाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हकीम हमाम शाही परिवार के बावर्ची खाने का प्रधान था। कहा जाता है कि ये लिपि पहचानने और कविता समझने में विशेष रूप से माहिर था। इसके साथ ही वो आचारवान, उदार और मीठा बोलने वाला व्यक्ति था। अकबर इस वजह से इससे बड़ा खुश रहता था। अकबर के सभी रत्नों में एक बात बिल्कुल आम थी कि सभी के सभी बेहद प्रतिभावान थे। इसके लिए अकबर की भी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने अपने राज्य के प्रतिभावान लोगों को पहचानने में कोई गलती नहीं की, जिसके फलस्वरूप अकबर के पास बुद्धिजीवियों की कमी नहीं रही। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।